दोस्तों मेरी बात का बुरा नहीं मानना, लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी में फेल हो रहे हो ना, तो उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। जिंदगी में इंसान को आराम ही बर्बाद करता है। हद से ज्यादा आराम, ज्यादा सुख सुविधाएं अक्सर इंसान को विकलांग बना देते। हम सबके जीवन में बदलाव बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यह हमें विकास की दिशा में मदद करता है। बदलाव से हमारा आत्मविकास होता है और सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत स्तर पर सफलता मिलने में सहायता प्रदान करता है। इंसान अपने खुद के पैर होने के बावजूद भी दौड़ नहीं पाता। वो कहते हैं ना कि एक छोटे बच्चे को अगर गोद में लिए रहोगे। दोस्तों ये सब बातें छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ, तुम कब गोद से उतरोगे, तुम कब चलना सीखोगे। चलो मुझे एक बात बताओ कि ये दर्द हमेशा मुसीबत से पहले ही क्यों आता है। कभी जिंदगी में तुमने रियलाइज किया है, ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही है? अगर फेल हो रहे हो तो किस कारण से, अगर कुछ नहीं कर पाए अब तक जिंदगी में तो किस कारण से, तो उस कारण का, उस वजह का और उस रीजन का पता लगाए और उसके कारण को खत्म करो। क्या तुम बूढ़े हो चुके हो या तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तुम जिंदगी में दौड़ सको? अगर तुम्हारा जवाब ना है तो तुम्हें चाहिए कि तुम खड़े हो जाओ और तुम खुद को आईने में देखो और खुद को 2-4 थप्पड़ लगाओ और खुद को ये बात समझाओ कि ऐसे काम नहीं चलेगा, अब कुछ करना पड़ेगा, अब कुछ बदलना पड़ेगा। अगर तुम्हारा जवाब ना है तो तुम्हें चाहिए कि तुम खड़े हो जाओ और तुम खुद को आईने में देखो और खुद को 2-4 थप्पड़ लगाओ और खुद को ये बात समझाओ कि ऐसे काम नहीं चलेगा, अब कुछ करना पड़ेगा, अब कुछ बदलना पड़ेगा।